हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्लो लाइट क्रीम के बारे में। गाइस, इसके बारे में एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जिसने किसी ने भी वीडियो में नहीं बताया होगा। तो आज की वीडियो में एक ऐसा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा और ये भी बताऊंगा गाइस कि यह आपकी स्किन पर सूट क्यों नहीं कर रही है। आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो फिर भी आपकी स्किन पर कई बार रेडनेस या फिर कई बार किसी प्रकार कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपकी स्किन पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आती है जिससे हमारे को ये सूट नहीं कर रही है। तो गाइस, आज की वीडियो में ऐसे इसके एक नुस्खा बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको आप यूज करने से आपकी स्किन पे ये रिजल्ट भी दिखाएगी और आपकी स्किन का वह आपकी स्किन की जो सारी प्रॉब्लम है। जैसे मेरे पास कई कमेंट्स आए, सर इसको सेंसिटिव स्किन पर सूट कर सकते हैं नहीं कर, सेंसिटिव स्किन पर लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो गाइस, सब कुछ जो सवाल मेरे से पूछे हैं तो उनके भी जवाब आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है ना गाइस। देखो, आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसको बिल्कुल आपकी स्किन को लाइटनिंग बनाना चाहते हो और ज़्यादा, तो गाइस इसके अंदर क्या मिलाकर लगाए जिससे हमारी स्किन और ज़्यादा लाइटनिंग हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद बहुत हेल्पफुल रहने वाली। बात करता हूँ ग्लो लाइट क्रीम के बारे में। तो एक ऐसी सुरक्षित क्रीम है जिससे हमारी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता, ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर 5 ऐसे भरपूर मात्र इनग्रीडियंट्स हैं जो हमारी स्किन को लाइटनिंग बनाता है। सेंसिटिव स्किन है तो उसको बिल्कुल सही करता है, हमारी स्किन की रेडनेस है उसको सही करता है, हमारी स्किन पर किसी प्रकार बहुत सारी क्रीमों से अगर प्रॉब्लम आ चुकी है, जैसे कई ऐसे क्रीम होती है जैसे स्किन रेडनेस हो जाती है, काली पड़ जाती है, डार्क हो जाती है, ठीक है, हमारी स्किन पर भूरे धब्बे आ जाते हैं, वह किसी पर दाग धब्बे बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसको भी हटाने में बहुत हेल्प करेगी गाइस, ठीक है ना। तो गाइस देखो, पहले बात करता हूँ इसके बारे में। तो गाइस, ग्लो लाइट एक ऐसी क्रीम है जो हमारी स्किन को लाइटनिंग बनाता है, हमारी स्किन का कई ऐसे पर्यावरण प्रदूषण से और हमारे स्किन का वह ब्राउन जो स्पॉट आ सके उसको हटाने में वह हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत हेल्प होती है। यह हमारे पिंपल्स के लिए उपयोग नहीं होती, इसको पिंपल्स के लिए उपयोग मत करना गाइस। इसके अंदर बताऊंगा इसका यूज करने का ऐसा ट्रिक, इसको किस तरह से यूज करना है जिससे हमारी स्किन में फटाफट रिजल्ट दिखाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है गाइस। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ग्लो लाइट एक ऐसी क्रीम है जिसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करें जो आपको मैंने बता दिए, जो हमारी स्किन पे इस तरह से वर्क करते हैं गाइस। जैसे कि हम कभी बार इस तरह से वर्क करता है, हमारी स्किन पे किसी बार कौन सी प्रॉब्लम नहीं आने देता। अगर हम बाहर भी जाते तो स्किन रेडनेस नहीं होती है हमारी स्किन पे, धूप में जाते तो हमारी स्किन सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है गाइस। आपको मैं बता दूं, हमारी स्किन पर कई ऐसे क्रीमें होती है जैसे यूएवी किरणों से हमारी स्किन को प्रॉब्लम होती है, जिससे स्किन पर कई ऐसे सेंसिटिव पर्यावरण प्रदूषण आ जाते हैं, जिससे हमारी स्किन पर पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन जो ब्राउन हो जाती है, वह स्किन पर कई से प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इस क्रीम से हमारी स्किन पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये बता देता हूँ, ठीक है। प्राकृतिक वाले इंग्रेडिएंट्स यूज किया जिससे हमारी स्किन पर काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। देखो बात करता हूँ उसके एक ऐसी ट्रिक के बारे में, इसको यूज करने के बारे में गाइस। एक ऐसी ट्रिक है जो हमारी स्किन पर किस तरह से वर्क करेगी। देखो अगर आपकी स्किन वर्क नहीं कर रही है, वे असर नहीं दिखा रही, स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इसको नाइट में सोते समय अच्छा कोई शुद्ध पानी या किसी भी अच्छा कोई फेस वॉश आपको धो लेना, ठीक है। उसको धोने के बाद आपको अगर ये स्किन पर ये सूट नहीं करनी है तो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, ठीक है गाइस। आप कम लगाते होंगे, आप सोचते होंगे ये खत्म हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है। ज़्यादा लोगे तो थोड़े जो फेस है उस पर थोड़ा मसाज करते रहना, थोड़ी थोड़ी टाइम, बस थोड़ा सा टाइम से ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जिससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन तक हो जाएगा। थोड़ा टाइम से आपको मसाज करना जो अंदर तक पहुँच जाएगी, अंदर तक जाने के बाद ये अच्छी तरह से वर्क करेगी। आप सुबह उठने के बाद कोई अच्छा जो लाइटनिंग सोप है, जैसे लाइटनिंग सोप है, कोई क्रीम वह सन क्रीम उसका यूज करना। मैं आपको बता देता, आपकी स्किन पर कौन सी भी क्रीम अगर वर्क नहीं करती, अगर इस तरह से वर्क कराना चाहते हो तो आपकी स्किन पर फटाफट ये ग्लो लाइट ऐसा वर्क करेगी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हमारी स्किन पर इतना लाइटनिंग बना दे रहा है, हमारी स्किन पर ये साइड इफेक्ट्स तो नामुमकिन ही है करना गाइस। मेरे पास कई ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी स्किन पर भूरे धब्बे हो जाएगा, उस पर यूज कर सकते हैं कोई क्रीम, तो गाइस मैं आपको ग्लो लाइट आप इसके भूरे धब्बों पर भी यूज कर सकते हो, पिगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हो, सेंसिटिव स्किन पर भी इसको यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं आपको बता दूं। यही बताने वाला था कि एक ऐसी ट्रिक जिसके अंदर आप अगर इस तरह से यूज करोगे कि तो आपकी स्किन पर ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जिससे आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई भी कोई प्रॉब्लम होती है धूप से किसी प्रकार, तो ये नहीं होने वाली गाइस। अगर इसको और ज़्यादा ग्लोइंग वे गोरा बनाने के लिए यूज करना चाहते हो आपकी एक, तो गाइस मेग्लो एक ऐसी क्रीम है जो हमारी स्किन को लाइटिंग और हमारी स्किन को अच्छी तरह से पोषण प्रदान करता है। अगर वो उसको लगाओगे तो आपकी स्किन पर अच्छा खासा वे ग्लो भी प्रदान होगा, आपकी स्किन पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। मेग्लो अगर क्रीम आप इसके अंदर लगाओगे मिस करके तो, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो मैंने इसके बारे में बता दिया, यही मेरा एक मकसद था आपको पहुंचाने का कि इसको अगर सूट नहीं करनी है तो इस प्रकार से आप इसको सूट करा सकते हो। अगर आपकी स्किन को और ज़्यादा वाइटनेस करना चाहते हो इसके अंदर ये मेग्लो क्रीम आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। फिर भी आपका सवाल कोई रह जाता है तो मेरे को कमेंट्स करना या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं इंस्टाग्राम पर मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। गाइस आपको बता देता हूँ, ये हानिकारक जो पैराबेन जैसे सल्फेट सबसे ये फ्री बिल्कुल मुक्त है, जैसे हमारी स्किन पर बहुत हेल्प करने वाली। बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।